नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश TYSC पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर, इंटरनेट तथा मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिप्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि हैं अंडर 20K, ठीक है, 20,000 के अंडर रेंज प्राइस में जो हैं वो कौन से स्मार्टफोन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा जो पहले नंबर पर फ़ोन है, तो पहले नंबर पर जो हमारा फ़ोन है उसका नाम है पोको X4 Pro, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पहले नंबर से और लास्ट नंबर से कोई नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी मोबाइल हैं वो सारे एक से एक मोबाइल हैं, कोई भी कम नहीं है, तो आप नंबर से इनको मत आगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो हमारा फ़ोन है वो इसके स्पेसिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अट्रैक्टिव मॉडल है और इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसमें आपको जो है रैम रोम है जो आपको 8 GB 128 GB का जो वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। और इसकी अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको 6.6 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगी आपको। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आपकी है और आपके मोबाइल चलाने के एक्सपीरियंस को जो है काफ़ी इन्हेंस करने वाली है। तो इसमें काफ़ी अच्छी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके कैमरे की। तो इसमें आपको 64 MP का जो आपका मेन कैमरा है, प्राइमरी कैमरा, वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही आपको 8 MP प्लस 2 MP अल्ट्रा वाइड और जो डेप्थ आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही आपका 16 MP का फ्रंट कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। और 5000 mAh की बैटरी, एक अच्छी बैटरी है, बिग बैटरी, जो कि आपकी एक दिन भर आराम से चलेगी, गेम खेलें चाहे आप कुछ भी करें। और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपको 695 5G प्रोसेसर मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। अब बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉयड की। तो ये आपको इसमें 11 एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस जो है देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी जो कि मोबाइल को काफ़ी अच्छी जल्दी से चार्ज कर देगी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस जो है आपको 18,999 रुपये में आपको ये पड़ेगा और इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे स्मार्टफोन की। तो दूसरे स्मार्टफोन है हमारा Realme 9 जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और अब बात कर लेते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में। तो इसमें भी आपको 8 GB 128 GB का जो है रैम रोम मिलेगा, काफ़ी अच्छा वेरियंट है ये। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें भी 6.4 इंचेस की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। साथ ही इसमें कैमरा जो है वो काफ़ी बढ़ के इसमें अब की बार कैमरा जो आया है 108 MP का जो है आपका कैमरा रहेगा जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा है। साथ ही बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। साथ ही इसमें एक बड़ी बैटरी भी है 5000 mAh की और 33 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग है। और बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और आपको जो है मोबाइल में मतलब चलाने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसको एंड्रॉयड के सिस्टम के बारे में। तो आपको इसमें सबसे अच्छी यही बात है इस फ़ोन की कि आपको इसमें 12 एंड्रॉयड मिल रहा है जो कि बाकी मोबाइलों में नहीं है। इसमें 12 एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस जो आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसमें ये आपको 18,999 की प्राइस में पड़ेगा जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब बात कर लेते हैं हम अपने तीसरे स्मार्टफोन की। तो तीसरे स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 11 Pro Plus। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो आपको इसमें 6 GB रैम 128 GB रोम का वेरिएंट जो है आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको 6.6 इंचेस की जो है फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगी। साथ ही 108 MP का रियर कैमरा मिलने वाला है और 5000 की बिग बैटरी जो है आपको इसमें मिलने वाली है। साथ में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिलती है।
इसमें भी आपको एंड्रॉयड Q11 का जो है आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है आपको 20,590 रुपये। अब बात कर लेते हैं हम अपने चौथे स्मार्टफोन की, तो चौथे नंबर पर हमारा स्मार्टफोन है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ Realme 9 SE। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और अब बात कर लेते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें 6 GB रैम और 128 GB ROM जो है आपको मिलने वाली है। साथ ही इसमें 6.6 इंच की Full HD+ डिस्प्ले मिलने वाली है, और इसमें आपका रियर कैमरा जो है वो है 48 MP का रहेगा। साथ ही अल्ट्रा वाइड और डेप्थ हैं जो 2-2 MP के आपको दिए रहेंगे। फ्रंट कैमरा जो है आपका 16 MP का है। साथ ही आपको इसमें 5000 mAh की एक बिग बैटरी है जो कि 30 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलने वाली है। साथ में इसमें जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है आपको, स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में और इस मोबाइल में। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉयड एक्सपीरियंस की, तो आप में आपको इसमें 11 का एंड्रॉयड जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो आपको ये 19,999 में पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले फ़ोन की, जिसका नाम है OPPO A96 जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 8 GB रैम 128 GB ROM के साथ जो है आपको ये मिलने वाला है। साथ ही इसमें 6.59 इंचेस की Full HD+ डिस्प्ले मिलने वाली है, और आपका रियर कैमरा जो है वो है 50 MP का, साथ ही 2 MP का जो अल्ट्रा वाइड डेप्थ है, और 16 MP का कैमरा जो आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। साथ ही इसमें एक बिग बैटरी जो कि 5000 mAh की है। साथ ही इसमें अच्छा प्रोसेसर भी है, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। साथ ही आपको इसमें 33 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉयड एक्सपीरियंस की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का एक्सपीरियंस जो है देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो इसको ये आपको 19,999 में पड़ेगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि थे 20,000 की रेंज में। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे मोबाइल की बेस्ट मोबाइल के बारे में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।